तो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी का पार्ट टू हम लोग देखेंगे आज। आज हमारा जहां भी पोटेंशियल एनर्जी रहेगा वहां पर आपका स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी रहेगा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी रहेगा, वो सब हमें देखना है। ठीक ठीक है, तो शुरू हो जाते हैं सिंपल सा क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर वन, मान लो कि यहां पे कोई ब्लॉक रखा है, दैट ब्लॉक इज अटैच्ड टू ए स्प्रिंग। से ब्लॉक का मास है m, स्प्रिंग का कांस्टेंट है k। ये ब्लॉक को हम कुछ एक डिस्टेंस तक खींच लिए, आई पुल्ड एसाइड बाय ए डिस्टेंस x। अब छोड़ देंगे तो ये आएगा, ठीक है ना, छोड़ देंगे तो ये आएगा, ये पास आएगा इधर। इन फिगर सोन द ब्लॉक वॉज पुल्ड असाइड बाय ए डिस्टेंस एक्स एंड रिलीज कमेंट अपॉन टाइप ऑफ मोशन, मोशन कैसा होगा बताइए। दूसरा हुआ व्हाट इज मैक्सिमम एक्सीलरेशन ऑफ ब्लॉक, एट व्हिच पोजीशन वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक इज मैक्सिमम, एंड व्हाट इज मैक्सिमम वेलोसिटी। ये सारा चीज का डिस्कशन अभी हम लोग करेंगे एक एक करके। तो जैसे ऐसे बात चला, क्या दिया गया था, कोई ब्लॉक को हम एक डिस्टेंस खींचे और छोड़ दिए। कहां से खींचे, फ्रॉम द रेस्ट पोजीशन, ये रेस्ट पोजीशन था, रेस्ट पोजीशन से हम एक डिस्टेंस खींचे तो स्प्रिंग लंबा हो गया था, उसको वापस खींचेगा। जैसे स्प्रिंग इसको खींचने लगेगा, ये ब्लॉक धीरे 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 पास आने लगेगा। जब ये पास आ रहा था रस्ते में, अगर ये पूरा मोशन को हम एनालिसिस करेंगे तो देखेंगे रस्ते में ये स्प्रिंग इसको खींच रहा था और स्प्रिंग यहां पर इसके ऊपर कुछ फोर्स दे रहा था, लेकिन जैसे जैसे ये पास आने लगेगा दिस फोर्स विल गो ऑन डिक्रीजिंग, द फोर्स विल गो ऑन डिक्रीजिंग। व्हाई, बिकॉज द एलॉन्गेशन ऑफ द स्प्रिंग इज डिक्रीजिंग। फोर्स डिक्रीज करेगा तो एक्सीलरेशन डिक्रीज करेगा, एक्सीलरेशन डिक्रीज करेगा लेकिन एक्सीलरेशन तो है, चाहे एक्सीलरेशन 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर था या डिक्रीज करके 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, एक्सीलरेशन तो एक्सीलरेशन है, मतलब वेलोसिटी बढ़ते जाएगा, स्पीड बढ़ते जाएगा, मतलब यहां से यहां तक स्पीड बढ़ता है, यहां से यहां तक स्पीड घटता है। तो हम समझा के लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ये ए पोजीशन हुआ, ये बी पोजीशन हुआ, तो जैसे ही आएगा यहां पे आके पहुंचेगा तब उसके पास कुछ वेलोसिटी होगा, बट व्हाट इज द फोर्स, स्प्रिंग में कोई एलंगेशन नहीं है तो फोर्स नहीं है। जब कोई बॉडी के ऊपर फोर्स नहीं है, कुछ वेलोसिटी है, वो क्या करेगा, उसी वेलोसिटी में जाने की कोशिश करेगा। अब उसी वेलोसिटी में इधर जाने की कोशिश करेगा, जैसे इधर जाने लगा स्प्रिंग कंप्रेस हो गया, अब उल्टा ढकेलने लगेगा उसको, उल्टा ढकेलने लगेगा तो ये ब्लॉक का वेलोसिटी धीरे धीरे घटने लगेगा। नाउ इट विल गो रिटार्डेशन, रिटार्डेशन होते 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 आके कहीं यहां पे कहीं रुक जाएगा। सपोज इट स्टॉप्स समवेयर हियर, यहां पे आके रुकेगा, तब क्या हुआ होगा, स्प्रिंग कंप्रेस हो गया होगा, ब्लॉक रुक गया है, तो स्प्रिंग कंप्रेस हुआ है तो ब्लॉक को वापस ढकेलेगा,
ब्लॉक फिर आएगा और वो सिलसिला चलता रहेगा। समझ में आ रहा है क्या? तो कंटिन्यूअसली द ब्लॉक विल अंडरगो ऑसिलेटरी मोशन, आपको ये चीज समझ में आना चाहिए। तो पहला हुआ सॉल्यूशन में ब्लॉक अंडरगोज ऑसिलेटरी मोशन, मींस द ब्लॉक ऑसिलेट्स। बाद में हम लोग इस किस्म की ऑसिलेशन को सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन कहेंगे, लेकिन अभी वो नाम नहीं लेंगे, बड़ा नाम है, नाम सिंपल है लेकिन बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। तो ब्लॉक अंडरगोज ऑसिलेटरी मोशन। अब मैं थोड़ा सा छोटा सा चार्ट बनाता हूं और मैं चाहता हूं कि आप इसको विजुअलाइज करो। हम कहें कि पाथ और वेलोसिटी और एक्सीलरेशन, ए टू बी पाथ में वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा था कि डिक्रीज कर रहा था? जब वो ए से बी आ रहा था वेलोसिटी इंक्रीजेस, और अभी तो देखे थोड़ी देर पहले एक्सीलरेशन क्या हो रहा था जब वो यहां से यहां पर आ रहा था, व्हाट वाज हैपनिंग टू द एक्सीलरेशन? एक्सीलरेशन वाज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग? बोलो रे, क्या कर रहे हो तुम लोग? एक्सीलरेशन वाज डिक्रीजेस। चलो आपको समझ में आया। नाउ बी टू सी मोशन में क्या कोई बताएगा? बी टू सी मोशन में वेलोसिटी क्या हो रहा था? वेलोसिटी डिक्रीजेस। बढ़िया है, यहां पर ज्ञानी बैठी हुई है, ठीक है। और एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन क्या होगा सोचो तो? यस, ये एक्सीलरेशन नहीं है, रिटार्डेशन है ना, तो नेगेटिव एक्सीलरेशन। तो हम कहेंगे एक्सीलरेशन और रिटार्डेशन लिखते हैं, एक्सीलरेशन और रिटार्डेशन इंक्रीजेस। देखो बढ़ रहा है, तो सी पे आके तो रुकेगा। एट सी वेलोसिटी इज जीरो, एक्सीलरेशन इज नॉट जीरो, नहीं, क्योंकि अभी वो धकेलगा, कंप्रेस हो गया, फोर्स दे रहा। सी टू बी मोशन में कोई बताएगा क्या हो रहा है? वेलोसिटी, व्हाट इज हैपनिंग टू वेलोसिटी? इंक्रीजेस। यस, तो मैं ये क्यों लिखवा रहा हूं बताओ? जस्ट टू मेक यू विजुअलाइज व्हाट इज हैपनिंग। अच्छा, और सी टू बी मोशन में एक्सीलरेशन क्या हो रहा है? डिक्रीजेस। फिर आ गया बी पे, एट बी, क्या वेलोसिटी जीरो है? नो, वेलोसिटी इज नॉट जीरो, रेदर इट इज मैक्सिमम। सबसे ज्यादा वेलोसिटी, क्योंकि यहां से यहां तक बढ़ रहा था, फिर यहां से यहां तक घट रहा था, फिर यहां से यहां तक बढ़ रहा था, फिर यहां से यहां तक घट रहा था, मतलब मैक्सिमम कहां पर था? बी में। एक्सीलरेशन का मैक्सिमम था, एक्सीलरेशन वाज मैक्सिमम व्हेन द फोर्स वाज मैक्सिमम, वेयर द फोर्स वाज मैक्सिमम? सी में। और ए में, ए में भी तो था नहीं? तो यस यस, हम कहेंगे एक्सीलरेशन इज मैक्सिमम यहां पे। एट बी वेलोसिटी इज मैक्सिमम, बट व्हाट अबाउट एक्सीलरेशन? जीरो, क्योंकि स्प्रिंग में कोई कंप्रेशन नहीं है, कोई एलंगेशन नहीं है, तो एक्सीलरेशन जीरो। नाउ बाकी रह गया बी टू ए मोशन को अगर हम प्यार से देखें तो क्या मिलने वाला है? देखिए, तो बी टू ए मोशन में मिलेगा आपको, बी टू ए मोशन में वेलोसिटी क्या हो रहा है? डिक्रीजेस। ये देखो, और एक्सीलरेशन और रिटार्डेशन इंक्रीजेस। कितना इंटरेस्टिंग है ये पूरा मोशन को एनालिसिस किए तो हमें क्या पता चला, व्हाट इज मैक्सिमम एक्सीलरेशन और कहां पे? तो क्या कहोगे? एट ए थोड़ा लिख देते हैं, बाकी रह गया इतना सारा, तो किसको क्यों छोड़ेंगे? एट ए क्या है वेलोसिटी?
जब वो ए में पहुंचा जीरो, क्योंकि अभी रुकेगा फिर वापस आएगा ए में, इट इज जीरो। देखो कितना बढ़िया आप लोग विजुअलाइज कर रहे हो। और एक्सीलरेशन मैक्सिमम, ये देख लो देख लो देख लो, मजा आया। एक्सीलरेशन कहां कहां पर मैक्सिमम है? सी में और ए में। वेलोसिटी कहां पर मैक्सिमम है? बी में, है ना। तो हम कहेंगे ये था बीट नंबर वन था। बीट नंबर टू में कहेंगे एक्सीलरेशन इज मैक्सिमम ए एंड सी, एंड व्हाट वाज द मैक्सिमम एक्सीलरेशन? इट वाज मैक्सिमम फोर्स बाय मास। ए में कितना एक्सीलरेशन हुआ था? एक्स, तो फोर्स हो गया के एक्स बाय एम। हाँ, एट विच पोजीशन वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक इज मैक्सिमम? नाउ विल सी वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक, वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक इज मैक्सिमम एट बी। व्हाट इज मैक्सिमम वेलोसिटी? ओहो, मैक्सिमम वेलोसिटी निकालना है, चलो ठीक है निकालते हैं। इसको मैं मिटाता हूं ऊपर वाले पार्ट को। मैक्सिमम वेलोसिटी पता करना है। अब वेलोसिटी जीरो कहां पे था? वेलोसिटी वाज जीरो एट ए, मैक्सिमम एट बी। तो हम कहेंगे इन ए टू बी मोशन काइनेटिक एनर्जी गेन हुआ है कि लॉस हुआ है? काइनेटिक एनर्जी गेन हुआ है कि लॉस हुआ है? गेन हुआ, गेन इन काइनेटिक एनर्जी। जो गेन इन काइनेटिक एनर्जी हुआ है बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, देखा कितना बढ़िया बोला, I'm so happy। हाफ एम बी स्क्वायर, अगर यहां पर इसका वेलोसिटी बी है तो जो वेलोसिटी वो मैक्सिमम है। So half mv square is the gain, क्योंकि यहां पर तो वेलोसिटी जीरो था। लॉस कितना हुआ? तो यहां पर कुछ स्प्रिंग में पोटेंशियल एनर्जी था और यहां पर कुछ भी नहीं था क्योंकि वो नेचुरल लेंथ पे था। तो कितना लॉस हो गया? half k x square। इससे क्या पता चला? v max का वैल्यू कितना पता चला? क्योंकि ये जो v है वही तो v max है, मैक्सिमम वेलोसिटी। कितना हो गया? इट इज coming out to be k x square by m ka। So the maximum velocity is k x square by m, it is at point B, or maximum acceleration is at a and c, and it is equal to k x by m। क्या मैं सबको ठीक ठाक समझा पाया? Yes। ठीक है। इन ए हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग ब्लॉक अरेंजमेंट, के इज इक्वल टू 100 न्यूटन पर सेंटीमीटर, नहीं न्यूटन पर मीटर, चलो ठीक है। एंड मास ऑफ ब्लॉक इज 4 kg, द ब्लॉक वाज पुल्ड टू लेफ्ट और राइट बाय 20 cm एंड released। Find speed of the block after it has moved 10 cm, bit number 2 30 cm, ठीक है। आपको ये चीज बताना है। ऑल्सो फाइंड
also find, sorry, थोड़ा ठीक से लिखता हूं, बीट नंबर थ्री, also find distance moved by the block by the time it reaches back to initial position of release, जहां से इसको छोड़े थे वहीं पर वापस आने के लिए कितना डिस्टेंस जाना पड़ेगा। क्या मैं ये उम्मीद कर सकता हूं कि मेरे वीर जवान इसको कर लेंगे? प्लीज मेक मी हैप्पी, यू आर गिवन 1 मिनट। हरिओम, जल्दी जल्दी। अब मैं करता हूं, आप लोग कुछ नाकामयाब कोशिश कर चुके हो, अब मैं कुछ करके दिखाना चाहता हूं। ए हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम, के इज 100 न्यूटन पर मीटर। पहले फिगर तो ड्रॉ करते हैं कि वही एक हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है। ब्लॉक यहां पे था, ब्लॉक के साथ स्प्रिंग लगा हुआ था, ये यहां पे था 4 केजी का ब्लॉक और के का वैल्यू दिया गया है 100 न्यूटन पर मीटर और ये ब्लॉक था 4 केजी का। पहले खींचे हम कितने दूर? 20 सेंटीमीटर, दैट इज 0.2 मीटर। ब्लॉक को छोड़े यहां से, जब ब्लॉक को हम यहां से छोड़े, अब ये भागते हुए आया। जब ब्लॉक यहां पर आया था, ब्लॉक यहां पर आ गया था, कितना दूर आ गया था? इट इज कम 10 सेंटीमीटर, मतलब 0.1 मीटर आ चुका था। हाँ ठीक है, थोड़ा नेमिंग करते हैं। और भी क्या पूछा है? 30 सेंटीमीटर पे, जब 30 सेंटीमीटर आया था, 20 सेंटीमीटर खींचे, 20 सेंटीमीटर खींचे, छोड़ दिए, वापस आया 20, और भी गया 10, 30 सेंटीमीटर आया था, मतलब ये भी 0.1 मीटर है, मतलब इस पोजीशन पे भी वेलोसिटी चाहिए। हाँ ठीक है, जो चाहिए सब दे दिया जाएगा, सबर करिए। मैं थोड़ा पोजीशन को नेमिंग करता हूं। ये चलो पोजीशन मानते हैं ए, ये पोजीशन है बी, ये पोजीशन है सी, ये पोजीशन है डी। पोजीशन को नेमिंग कर दी। नाउ ए ए टू बी मोशन, ए टू बी मोशन में काइनेटिक एनर्जी गेन हुआ है कि लॉस हुआ है? ऑब्वियसली इनिशियली छोड़े तो काइनेटिक वेलोसिटी तो जीरो था, काइनेटिक एनर्जी जीरो था, गेन हुआ है। जो गेन इन काइनेटिक एनर्जी हुआ, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन द टोटल मैकेनिकल एनर्जी इज कंजर्व, बट मींस दैट नॉट बी ड्यू टू लॉस इन स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। अब यहां पे जीरो था, यहां पे कुछ वेलोसिटी होगा, तो जो वेलोसिटी होगा अगर हम इसको वी बी कहेंगे, क्योंकि बी का वेलोसिटी, तो गेन कितना हुआ? हाफ एम वी बी का स्क्वायर। लॉस इन स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी कितना हुआ है? लॉस कैसे निकालेंगे? इनिशियल स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी माइनस फाइनल स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा ऐसा है क्या? इनिशियली क्या स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी था? हाफ के 0.2 का स्क्वायर। एनर्जी स्टोर्ड इन स्प्रिंग इज गिवन बाय हाफ के स्क्वायर, सबको मालूम है, माइनस फाइनली यहां पे जब ये 0.1 आ चुका है और कितना बाकी है? 0.1, सो हाफ के 0.1 का स्क्वायर। थोड़ी हम मार्कपीट करते हैं, ये हाफ दोनों तरफ से खा गया तो क्या मिला? वीबी का स्क्वायर इनटू एम, एम कितना था? हाफ दोनों तरफ से गया, हाफ इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, जब हर तरफ होता है तो उसको उड़ा देते हैं। एम कितना था? 4 केजी, एम के जगह 4 वीबी स्क्वायर। इधर क्या हो गया? के, के कितना है भाई? 100, 0.2 का स्क्वायर 0.04 माइनस 0.1 का स्क्वायर 0.01। हाँ, तो इट इज कमिंग आउट टू बी कितना हो गया? देखो तो ये हो गया 0.03 इंटू 100 इज 3,
तो क्या मिल गया डीवी डीवी इज 3/4 का रूट ओवर इज रूट 3/2 सो दी वेलोसिटी विल बी रूट 3/2 कहां पे बी पे और कितना यूनिट होगा मीटर पर सेकंड बिकॉज आई हैव एक्सप्रेस्ड एवरीथिंग इन मीटर सब कुछ मीटर में था सब कुछ मीटर में था तो हमें मिल गया रूट 3/2 मीटर पर सेकंड अच्छा ये बात है अब मैं चाहता हूं कि आपकी स्मार्ट दिमाग का यूज करो और बिना कुछ कैलकुलेशन किए दूसरे बिट का आंसर बताओ बिना कुछ कैलकुलेशन किए विदाउट यूजिंग पेन एंड पेपर ओनली यूजिंग ब्रेन ट्राई टू फाइंड आउट द वेलोसिटी यस पकड़ लिए आप लोग यही तो कमाल की बात है आप लोगों में यही तो कमाल की बात है आप लोगों में तो आप पकड़ लिए क्योंकि जब वो यहां से यहां पर गया है कहां पर गया है 0.1 मीटर ए टू डी दिखेंगे तो अगर हम कहेंगे लिखेंगे नहीं कुछ खाली ऐसे दिखेंगे ए टू डी मोशन में भी गेनिंग काइनेटिक एनर्जी हुआ है और दैट इज इक्वल टू लॉस इन स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी हुआ है लॉस इन स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी मतलब पहले ए पे क्या था वो ये पे था के 0.2 का स्क्वायर और डी पे क्या था हा के क्योंकि अभी एक दब गया है 0.1 का स्क्वायर तो बात बराबर तो आ गया मतलब V8.D इज आल्सो इक्वल टू √3/2 ये जो चीज आपको समझ में आ गया ना सोच लो बड़ी चीज समझ ले फॉर्मूला लगा के हर कोई कर लेता हर कोई फॉर्मूला लगा के कर लेता लेकिन आपको ये बड़ी चीज समझ में आ गया कि ये जो आ गया चीज इस गेनिंग काइनेटिक एनर्जी को अगर हम लिखेंगे ऐसे कि हा एम भी डी का स्क्वायर और उससे मिल जाएगा सेम चीज तो आ गया यहां पर स्प्रिंग में एनर्जी कितना था हाफ के 0.1 का स्क्वायर यहां पर स्प्रिंग में एनर्जी कितना है हाफ के 0.1 का स्क्वायर मतलब यहां पर फाइनल एनर्जी बराबर है दोनों केस में इनिशियल एनर्जी बराबर था मतलब गेनिंग काइनेटिक एनर्जी मस्ट बी सेम देखो अब आखिरी वाले के लिए बीट नंबर 3 जो लिखे उसके लिए सिर्फ एक रीजनिंग की जरूरत है कोई कैलकुलेशन आपको मदद नहीं करने वाला एक थोड़ा सा रीजनिंग की जरूरत है आप कर लोगे वो यहां से गया फिर से घूम फिर के जब वापस आएगा तब तक कितना दूर गया होगा व्हाट इज द डिस्टेंस मूव्ड बाय द ब्लॉक बाय द टाइम इट रीचेस बैक टू द इनिशियल पोजीशन ऑफ रिलीज जहां पर छोड़े थे वहां पर फिर वापस आने वाला है जाके वापस आने वाला है कितना डिस्टेंस गया होगा ब्लॉक है कोई बताने वाला या बताने वाली 0.8 मीटर एंड दैट इज करेक्ट क्यों क्योंकि ये यहां से 0.2 मीटर दूरी से छोड़े वो आएगा यहां पर वेलोसिटी मैक्सिमम होगा फिर वेलोसिटी घटेगा कहां पर जीरो होगा जब स्प्रिंग एनर्जी इनिशियल एंड फाइनल आर सेम इनिशियली स्प्रिंग में एलॉन्गेशन था 0.2 तो फाइनली भी स्प्रिंग में कंप्रेशन हो जाएगा 0.2 तो स्प्रिंग का एनर्जी तो बरकरार रह गया देयर इज नो लॉस इन स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी तो काइनेटिक एनर्जी होगा 0 मतलब यहां पर आके रुकेगा फिर यहां से वापस जाएगा तो 0.2 अगेन 0.2 जाएगा फिर 0.2 सो टोटल डिस्टेंस मूव्ड इज इक्वल टू 0.8 मीटर देखो कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है भाई तो हम क्या कहेंगे ब्लॉक Again, comes to rest. कहाँ पे? After a distance 0.4 meter. तो हम क्या कहेंगे? Total distance कितना हो गया? So, total distance moved. इक्वल टू 0.8 मीटर ये चीज सबको समझ में आना बहुत जरूरी है टोटल डिस्टेंस मूव्ड इज 0.8 मीटर ठीक है बढ़िया है मैं खुश हो गया अब दूसरा थोड़ा धमाकेदार क्वेश्चन है आपको सोच के बताना पड़ेगा
थोड़ा सा धमाकेदार कुछ चिन्ह है, आपको सोच के बताना पड़ेगा। वीडियो तो मैं भेज ही दूंगा, चिंता की कोई बात नहीं है। आप लोग कितना बढ़िया कर रहे हो। क्वेश्चन नंबर थ्री, हुआ यूं कि यहां पर कोई एक ऐसा रास्ता है, ये है कोई रास्ता, के है उसका 100 न्यूटन पर मीटर, ठीक है। यहां पर से कोई चीज को हम मान लो कि ये 4 kg का मास है और यहां से 2 मीटर हाइट से इसको छोड़ दी। अब होगा क्या, ये ब्लॉक फिसलते हुए आएगा कि स्प्रिंग को टकराएगा, तो स्प्रिंग को टकराएगा तो स्प्रिंग को कंप्रेस करेगा, है ना। फिर क्या होगा, मोशन आएगा ऐसे 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 आएगा, यहां पर आएगा, यहां पर आने के बाद स्प्रिंग को कंप्रेस करेगा, ब्लॉक रुकेगा, लेकिन स्प्रिंग तो कंप्रेस है ना, स्प्रिंग इसको फिर से ढकेलेगा, यहां तक ढकेलेगा, यहां पर आते आते ब्लॉक के पास कुछ वेलोसिटी होगा, वो आगे निकल जाएगा, स्प्रिंग फिर से पीछे वापस रह जाएगा, ब्लॉक फिर से चढ़ेगा, एंड इट विल ब्लॉक विल कंटीन्यूअसली कीप ऑन मूविंग लाइक दिस, है कि नहीं। ब्लॉक विल कीप ऑन मूविंग बिटवीन दिस टू पॉइंट्स, हमें अभी विजुअलाइज करना है। इन फिगर शोन फाइंड मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक एंड ये वॉल है, ठीक है, ये वॉल है, ठीक है, ऐसे ऐसे दिया है, एंड मैक्सिमम फोर्स ऑन दी वॉल, क्या है कोई बताने वाला मेरे को, टू मेक मी हैप्पी, मैं बड़ी दुखी आत्मा हूं, आप लोग इसको कर लोगे तो मैं बहुत खुश हो जाऊंगा, जल्दी जल्दी करो, मेरे को खुश करो जल्दी जल्दी, टीचर को खुश करना अच्छी बात है, जल्दी जल्दी करो। तो आपको क्या मिल गया, आपके हिसाब से आंसर आया, मैं आपका आंसर लिखता हूं, मेरा आंसर नहीं है, ये गलत होगा तो आप जिम्मेवार हैं, सही होगा तो मैं जिम्मेवार हूं, क्यों, क्योंकि मैं अच्छा पढ़ाता हूं, है ना। तो आपका आया वी मैक्स कितना हुआ, कितना आया 10√10 ऐसे आया, और मैक्सिमम फोर्स कितना आया आपका आंसर, 100 × √8/5 कड़ा खूंखार आंसर न्यूटन, ये आंसर हमारे बच्चे दिए, छोटे बच्चे बड़े आंसर, चलो करके देखते हैं, सॉल्यूशन बनाते हैं। अब हो क्या रहा है, थोड़ा इस चीज को तो विजुअलाइज करो, देखो फिजिक्स का मतलब है हर चीज को विजुअलाइज करना, 99% लोग फॉर्मूले पे जाते हैं, जो बाकी बच गए 1% वो कंसेप्ट और विजुअलाइजेशन के ऊपर जाते हैं, ठीक है। अभी हर जगह ऑनलाइन का क्लासेस चल रहा है, और आई सरप्राइज टू सी क्यों क्या क्या पढ़ाते हैं उसके बावजूद इतना सारा लाइक्स, इतने सारे सब्सक्राइबर, आई टेल यू 100% गलत पढ़ाते हैं, टोटली गलत पढ़ाते हैं उसके बावजूद, और कोटेड बुटेड सुटेड बट दिमाग से लूटेड वो पढ़ाते हैं, और लोग भी भीड़ कर रहे हैं वहां पर, ठीक है। तो मैं डेली सर्च करता हूँ ऐसे क्वार्क्स के लिए जो लोग पढ़ाते हैं, आई डोंट नो हु हैज अप्रूव्ड देम टू टीच। तो ना बात कर रहे थे ये वेलोसिटी, जब ये यहां से फिसलेगा, अच्छा यहां पर एक चीज लिखा नहीं है, वी शुड इट इज अंडरस्टूड बट विल मेंशन नेगलेक्ट फ्रिक्शन, क्योंकि फ्रिक्शन क्या है, एक नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, इन द एब्सेंस ऑफ नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस ओनली मैकेनिकल एनर्जी इज कंजर्व, तो यहां पर लिखा नहीं था, नेगलेक्ट फ्रिक्शन लिख देते हैं, इसलिए मतलब कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है। जैसे ये नीचे आया उसका पोटेंशियल एनर्जी घटने लगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ने लगा और बढ़ा, यहां तक बढ़ गया, इसके बाद और आगे गया, काइनेटिक एनर्जी नहीं बढ़ेगा, क्यों, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी घट नहीं रहा है,
नाउ काइनेटिक एनर्जी इज कांस्टेंट 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 कांस्टेंट, फिर आया स्प्रिंग के साथ कांटेक्ट में, आने के बाद स्प्रिंग को दबाने लगा, जैसे स्प्रिंग को दबाने लगा काइनेटिक एनर्जी घटने लगा क्योंकि स्प्रिंग इसको रोकने की कोशिश किया, काइनेटिक एनर्जी घटने लगा, कहां गया एनर्जी, धीरे धीरे स्प्रिंग में ट्रांसफर होने लगा। कुछ समय के बाद जब सारा काइनेटिक एनर्जी स्प्रिंग में आ गया तो ब्लॉक यहाँ पे कहीं आके रुक जाएगा, द ब्लॉक विल स्टॉप समवेयर हियर। अगेन आई एम रिपीटिंग, ऑब्जर्व एंड सी, जब ये यहां से नीचे आया, नीचे आ रहा था फिसल के, नीचे आ रहा था, देयर वाज ए लॉस इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ रहा था, बढ़ते 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 यहाँ पे आ गया। जब वो यहाँ पे आ गया उसके बाद जब और आगे गया, इट इज ऑन द सेम हॉरिजॉन्टल प्लेन, देयर इज नो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी, तो ये जोन में काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रहेगा, ये जोन में काइनेटिक एनर्जी बढ़ रहा था, क्यों, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी घट रहा था। अब जब ये यहां तक आया कांस्टेंट काइनेटिक एनर्जी में, स्प्रिंग के साथ कांटेक्ट में आया, अब स्प्रिंग को दबाते हुए ले गया, जैसे स्प्रिंग को दबाया स्प्रिंग इसको रोकने की कोशिश किया, रोकने की कोशिश किया तो इसका स्पीड घटने लगा, मतलब काइनेटिक एनर्जी घटने लगा। यहां से जब जा रहा था काइनेटिक एनर्जी घट रहा था, तो कहां जा रहा था वो एनर्जी, वो स्प्रिंग में कन्वर्ट हो रहा था स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी में। ऐसे घटते 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 यहां पर ब्लॉक का काइनेटिक एनर्जी जीरो हो गया। अरे भैया तो कहां गया उसका सारा काइनेटिक एनर्जी, स्प्रिंग में आ गया, कहां से लाया था सारा काइनेटिक एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी से, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को लाके ब्लॉक स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया। बीच में पैसा अपने साथ लेके जा रहा था, मेरा पैसा बोल रहा था, नहीं, ब्लॉक नीचे आया ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को लेके अपना काइनेटिक एनर्जी बनाया, फिर वो काइनेटिक एनर्जी को इसको देके है ना खुद फिर से न्यूट्रल हो गया और सारा का सारा पोटेंशियल एनर्जी इसमें आ गया। ये सोचना बहुत जरूरी है न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। पूछा है मैक्सिमम वेलोसिटी, तो आप क्या कहेंगे, वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक इज मैक्सिमम जस्ट बिफोर टचिंग द स्प्रिंग, क्योंकि स्प्रिंग को टच करने के बाद उसका काइनेटिक एनर्जी स्प्रिंग खाने लगेगा। अच्छा ये बात है क्या, ठीक है, तो जब वो यहां से यहां तक आया तो हम क्या कहेंगे, गेन इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ ब्लॉक इज इक्वल टू लॉस इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ब्लॉक का काइनेटिक एनर्जी कितना है, हाफ एम वी स्क्वायर, अगर मैक्सिमम वेलोसिटी उसका वी मैक्स है तो। अच्छा लॉस इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितना हुआ, कितना नीचे आया, एच नीचे आया तो एम जी एच वैल्यू डाला जाए, एम वाज 4 केजी, वी मैक्स पता करना है, एम वाज जी इज 10 एच इज 2, तो देखो तो ये कितना आ रहा है, ये वी मैक्स का स्क्वायर है, मिल गया वी मैक्स इज इक्वल टू रूट 2, ये हो गया 2 2 4 4, तो 4 एक पकड़ गया तो हो गया 4, ये हो गया 2 रूट 10 मीटर पर सेकेंड, यस करेक्ट, एक आंसर सही आ गया। मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक इज कितना, इट इज 2 रूट 10 मीटर पर सेकेंड। अच्छा दूसरा क्वेश्चन, मैक्सिमम फोर्स ऑन द वॉल, ये वॉल पे सबसे ज्यादा फोर्स कब आएगा, जब स्प्रिंग सबसे ज्यादा कंप्रेस होगा है, तो क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, बीट नंबर 2 के लिए फोर्स ऑन वॉल इज मैक्सिमम व्हेन स्प्रिंग इज, और व्हेन कंप्रेशन इन स्प्रिंग इज, कंप्रेशन इन स्प्रिंग इज मैक्सिमम एट मैक्सिमम कंप्रेशन, एक्स एट मैक्सिमम कंप्रेशन एक्स है ना, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ब्लॉक कितना है, इज जीरो, सारा एनर्जी जीरो हो गया।
सारा फैंड के नजदीक जीरो हो गया है। गया कहा? देयर इज अ गेन इन स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। तो हम कहेंगे द गेन इन स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू लॉस इन काइनेटिक एनर्जी को, बट लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू लॉस इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। कुछ भी कह सकते हो, है कि नहीं? इट इज लॉस इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। हम पोजीशन ए के साथ पोजीशन जेड का बात कर रहे हैं, बीच में क्या हुआ भूल जाओ। ए में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी था और जेड पोजीशन में सिर्फ स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी है। एनर्जी तो कन्वर्ट है, बीच में काइनेटिक एनर्जी हुआ था जब थोड़ा सा कंप्रेस किया था, तो कुछ काइनेटिक एनर्जी कुछ स्प्रिंग एनर्जी था। वो सब सोचने की क्या जरूरत है, हमें तो चाहिए मैक्सिमम कंप्रेशन की बात। तो गेन इन स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा अगर कंप्रेशन एक से तो हाफ के एक्स स्क्वायर नहीं ठीक है। और जो हमारा क्या कहते हैं लॉस इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितना नीचे आया है, एम जी एच, थोड़ा वैल्यू डाला जाए हाफ के था 100, एक्स पता करना है, एम था 4, जी था 10, एच था 2, क्या मिला इसमें से एक्स का वैल्यू, एक्स इतना हुआ। देखिए तो ये हो गया 4, इधर आया 4 × 4 16 × 10 इज 160 by this is 1.6 that is 1.6 is 1.6 by 10 is 8/5 root of 8/5 देखा मीटर। अब ये स्प्रिंग में कंप्रेशन हुआ है रूट ऑफ 8/5, तो ऑब्वियसली स्प्रिंग वॉल को ढकेल रहा होगा। सो मैक्सिमम फोर्स ऑन वॉल कितना होगा, स्प्रिंग जितना दबेगा उतना जोर से फोर्स करेगा, इट इज के एक्स दैट इज 100 × √8/5 न्यूटन। वाओ मेरा दिल तो गार्डन गार्डन हो गया। आप दोनों आंसर एकदम सही सही दे दिए, मतलब सोच पूरा क्लियर है, दिमाग पूरा खुल गया है, चिंता की कोई बात नहीं। बाय द वे ये दोनों आंसर कौन दिया था सर? विपिन। तुम अपने नाम में सर बोल के बोल रहे हो क्या? सर विपिन, अरे अपने नाम में खाली विपिन बोलो, हम जोड़ देंगे सर, है ना? ठीक है, ये दिया था विपिन, कितना मस्त है, यही तो दिमाग है आजकल का। ठीक है, वेरी गुड, यू वांट टू मेनी थिंग्स इन दिस। नाउ चलो स्प्रिंग का ऐसा दो क्वेश्चन भी हम लोग सोच लिए, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन को आप लोग कर पाते हो क्या। थोड़ा सा खूंखार क्वेश्चन दे दूंगा, देखता हूं इसको करने वाले को तो मैं अपनी तरफ से प्राइज पक्का दूंगा, अगले क्वेश्चन को करने वाले को मैं अपनी तरफ से प्राइज देने वाला हूं, क्योंकि उस क्वेश्चन का जो आंसर निकलेगा दैट बिकम्स ए वेरी इंपॉर्टेंट टूल फॉर फर्दर क्वेश्चंस। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, ये कोई एक स्प्रिंग है जिसका कॉन्स्टेंट के है, ये उसके साथ एक ब्लॉक लगा है, ये ब्लॉक लगा है एम, और ये ठीक है। इन फिगर शोन दी ब्लॉक इज हेल्ड, पकड़ के रखें, ठीक है, ब्लॉक इज हेल्ड बाय ए बॉय, कोई लड़का इसको पकड़ के रखा है, एट नेचुरल लेंथ ऑफ स्प्रिंग, ठीक है, कोई लड़का इसके नीचे हाथ लगाया पकड़ के रखा है ताकि स्प्रिंग अपना नेचुरल लेंथ में रहे। फाइंड मैक्सिमम एलोंगेशन इन स्प्रिंग
ब्लॉक ई इज स्लोली रिलीज्ड, मतलब वो क्या किया, धीरे 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 हाथ हटाया। ठीक है, बीट नंबर टू, द ब्लॉक इज सडनली रिलीज्ड, मतलब ब्लॉक को पकड़ के रखा था, सडनली हाथ निकाल दिया। आर यू एबल टू नोटिस द डिफरेंस, अगर मैं इस ब्लॉक को पकड़ के रखा हूं, धीरे 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 हाथ निकाल लिया, तो ब्लॉक का जितना एलोंगेशन होगा, अगर मैं सडनली हाथ निकाल दूंगा तो क्या ब्लॉक का उतना ही एलोंगेशन होगा कि उससे ज्यादा होगा कि उससे कम होगा? ज्यादा होगा। मतलब ये चीज तो तय है कि दोनों केस की आंसर अलग अलग है, दोनों केस में मुझे स्प्रिंग का मैक्सिमम एलोंगेशन चाहिए। देखते हैं किसका दिमाग कितने पानी में। आप लोग आंसर दे दिए, बिट नंबर वन का एमजी बाई के, बिट नंबर टू का टू एमजी बाई के, दोनों ही आंसर करेक्ट है। कितना मस्त है देखो। तो ये मैं बोल रहा था, जो आप लोग आईटी फाउंडेशन कोर्स वगैरह करते हो ना, उसमें चाहे आप सब कुछ पढ़ के फिर से भूल जाओ, लेकिन दिमाग जो खुल गया वो खुल गया, ठीक है ना, जो दिमाग खुल गया वो खुल गया, ठीक है। और वो जो सिक्स पैक बनाते हैं ना, वो एक दिन में नहीं बनता है, बहुत मेहनत करने पड़ता है। सिक्स पैक वाले चाहिए जेई के लिए, अब 11 क्लास से शुरू करोगे तो कहां हो पाएगा, 2 साल में सिक्स पैक तो निकलना नहीं, लगातार मेहनत करने से बनता है। और आप लोगों का तो बनने भी लगा है, मेरा देखो फैमिली पैक बन गया है ना। तो अभी नेक्स्ट सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन में स्लोली रिलीज, स्लो रिलीज, ये है हमारा स्प्रिंग, ये है हमारा ब्लॉक। जिन लोगों का नहीं हुआ थोड़ा ध्यान दीजिए। अब मैं इसको पकड़ के रखा हूं, मैं क्या करता हूं, हाथ को धीरे 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 हटाया, थोड़ा सा हटाया, क्या ब्लॉक ऊपर लटका रह जाएगा? नहीं, अभी वो मेरे हाथ पे बैठा हुआ है। और लाया, अभी ब्लॉक मेरे हाथ पे बैठा हुआ है, लाया 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 लाया। यहाँ पर आने के बाद आफ्टर यू कम हियर, फिर उसके बाद क्या हुआ, अब मैं हाथ निकाला तो ब्लॉक लटकते हुए रह गया, है नहीं? तो क्या एलोंगेशन हुआ, एक्स। अब ब्लॉक लटक रहा है, क्यों? क्योंकि स्प्रिंग खींच रहा होगा केएक्स फोर्स में। अच्छा, तो केएक्स फोर्स में खींच रहा है, तो नीचे की तरफ क्या फोर्स था, एमजी। सो क्या लिखेंगे, इन दिस केस द ब्लॉक फाइनली अटेन्स इक्विलिब्रियम। हाँ पक्का, क्योंकि आएगा ऐसे, खुलेगा स्प्रिंग, स्प्रिंग खुलेगा 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 खुलेगा, स्प्रिंग का फोर्स बढ़ने लगेगा। जब स्प्रिंग का फोर्स सफिशिएंट हो जाएगा टू सस्टेन द वेट ऑफ द ब्लॉक विल लाई हैंगिंग इन इक्विलिब्रियम। सो kx मस्ट बी इक्वल टू mg, x कितना है, mg / k। और पता चल गया, सो द मैक्सिमम एलोंगेशन विल बी mg / k। सडन रिलीज, सडन रिलीज में क्या हो रहा है, थोड़ा ध्यान से देखो। ई हो गई हमारा ब्लॉक, ये हो गया स्प्रिंग, ब्लॉक को यहां से पकड़ के रखे थे, सडनली निकाल दिया, तो क्या हो गया, ब्लॉक विल स्ट्रेट वे गो डाउन। क्या चलते ही जाएगा, नहीं नहीं कुछ दूर जाएगा, रुकेगा, क्या वो इक्विलिब्रियम में रुकेगा, मतलब वहीं पे रुक जाएगा, नहीं नहीं तो छोड़ेगा ना, फिर से वापस आएगा। सो द ब्लॉक विल एग्जीक्यूट ऑसिलेटरी मोशन, नहीं, ब्लॉक विल एग्जीक्यूट ऑसिलेटरी मोशन। क्या कहेंगे, इन दिस केस ब्लॉक एग्जीक्यूट्स ऑसिलेटरी मोशन, ब्लॉक का ऑसिलेटरी मोशन एग्जीक्यूशन शुरू हो गया है, ठीक है। यहां पे ब्लॉक का वेलोसिटी क्या था, 0। जब वो ब्लॉक यहां पे हुआ होगा तब उसका वेलोसिटी क्या होगा, अरे आके रुका फिर वापस गया, यहां पे भी वेलोसिटी 0,
कितना हुआ है एलॉन्गेशन, सपोज वाई। अच्छा, तो जब ये ब्लॉक वाई डिस्टेंस में गिरा, यहां पे उसके पास काइनेटिक एनर्जी नहीं था, यहां पे भी काइनेटिक एनर्जी नहीं है, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी तो लॉस हुआ है, गया कहां वो एनर्जी, कहां गया वो एनर्जी जो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी हुआ, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो लॉस हुआ नीचे आने के कारण, कहां गया वो एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी तो बना नहीं है। लेकिन तब तक स्ट्रिंग लंबा हो गया है, स्ट्रिंग में कुछ एनर्जी है, मतलब कहां गया वो पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, दैट हैज बीन कन्वर्टेड इनटू स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। यस, देखो कितने मजेदार है। तो ए टू बी मोशन में कहेंगे, ए टू बी मोशन में कहेंगे, ए वाला ये पोजीशन है, बी वाला ये पोजीशन है, ए टू बी मोशन में देखेंगे जो गेन इन स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी हुआ है दैट इज इक्वल टू लॉस इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। गेन इन स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी कितना हुआ है जब ये वाई डिस्टेंस गया है, कितना हुआ है गेन इन स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी, फॉर्मूला क्या था, हाफ के एक्स स्क्वायर, यहां पर एलॉन्गेशन कितना हुआ है वाई, तो क्या है गेन हुआ स्प्रिंग एनर्जी में, हाफ के वाई स्क्वायर। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितना लॉस हुआ है, यहां से यहां पर गिरा तो कितना नीचे आया वाई, कितना एनर्जी लॉस हुआ एम जी वाई, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी व्हेन अ बॉडी कम्स डाउन बाय अ डिस्टेंस एच, लॉस इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज एम जी एच, सो हियर इट विल बी एम जी वाई। थोड़ा मारपीट करिए, वाई को वाई खा गया, दूसरा वाई मिला कितना 2mg by k, कितना इंटरेस्टिंग है देखो। सो अपन सडन रिलीज द मैक्सिमम एलॉन्गेशन विल बी 2mg by k, बट अपन स्लो रिलीज द मैक्सिमम एलॉन्गेशन इज गोइंग टू बी mg by k। तो स्लोली रिलीज करने से जितना एलॉन्गेशन होता है, सडन रिलीज करने से डबल एलॉन्गेशन होता है। मजा आया क्या, सबको समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन देने वाला हूं, थोड़ा ध्यान से देखो, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कैसे करते हैं ये लोग। ठीक, अगला क्वेश्चन नंबर फोर। ठीक है, तो हम कहेंगे कि ये कोई एक डंडा है, ये डंडा है यहाँ पे, और यहाँ पे कोई एक मास एम लगा है, रिंग लगा है, दिस इज ए रिंग, हेवी रिंग ऑफ मास एम, और ये रिंग कितना दूर पे है, तो हम कहेंगे कि ये मान लो कि किसी वाल के साथ लगा है बाह्य स्प्रिंग, ये मास एम है, मान लो कि मास एम है, और यहां पर ये स्प्रिंग का लेंथ कितना है, लेंथ इज गिवन, इट इज गिवन से 3 मीटर, चलो ठीक है 3 मीटर है। अब मैं पकड़ के इसको खींचा ऊपर, रिंग को यहां तक खींच लाया, रिंग वाज पुल्ड टू ए पोजीशन बी। मैं एक खतरनाक खूंखार क्वेश्चन दे रहा हूं, प्लीज डोंट डिसअपॉइंट मी, आप लोग कर लो यार, मैं इतना मेहनत कर रहा हूं, मैं तो कर लूंगा, लेकिन आप कर लेने से मेरा सक्सेस होता है। ये 4 मीटर हुआ, खींचे स्प्रिंग को, रिंग को ऊपर खींच लिए, तो ऑब्वियसली स्प्रिंग कुछ ऐसा हो गया होगा, लंबा हो गया होगा, ठीक है। अब इतना खींचने के बाद ये फिक्स्ड है, दिस बार इज फिक्स्ड, बार इज फिक्स्ड। अब मैं ये पोजीशन ए से इस रिंग को छोड़ दिया, तो गिरेगा तो यहां से जाएगा, जब इधर से गुजरेगा तब उसका वेलोसिटी क्या है पता करना है, क्या दिया है, ये है इन फिगर शोन, नेचुरल लेंथ ऑफ स्प्रिंग इज 4 मीटर, 4 मीटर लंबा है,
ये तो नेचुरल लेंथ में नहीं है। 4 मीटर, दी मासिव रिंग। मासिव रिंग, चलो मासिव रिंग, मास भी नहीं दिया, चलो छोड़ो, मास भी क्यों चाहिए, मास भी नहीं देंगे। दी मासिव रिंग वाज रिलीज्ड फ्रॉम पोजीशन ए। फाइंड वेलोसिटी ऑफ रिंग, वेलोसिटी ऑफ रिंग एज इट पासेस थ्रू पॉइंट बी। करने वाले को मैं सर पे बैठाऊंगा, जो कर लेगा मेरा सर पे बैठेगा। ऐसे हर साल मैं बच्चों को सर पे बैठाता हूँ, देखो बाहर क्यों नहीं है, इसीलिए कुछ अच्छे बच्चे तो हर साल मिल जाते हैं। जो करेगा सर पे बैठेगा, तो ये हो गया हमारा वेलोसिटी। यहां से रिंग को छोड़ दिए, और कोई डाटा वाटा दिया नहीं, उतना ही डाटा दिया है। प्लीज ट्राई एंड डू इट। फटाक से 3 लोग आंसर बोल दिए, √80 मीटर पर सेकेंड। 1 मिनट का समय भी नहीं लिए, ओ जय हो। चलो आप देखते हैं हम करेंगे। ए टू बी मोशन में एक सॉल्यूशन बना रहे हैं। ए टू बी मोशन में हम कहेंगे इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी इक्वल टू फाइनल मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी इज कंजर्व। हाँ ठीक है भाई। तो हम कहेंगे काइनेटिक एनर्जी प्लस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी प्लस स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी एट ए इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी प्लस स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी एट बी। हो, स्प्रिंग का के तो दिया नहीं, चलो मन से ले लेते हैं। लेट अस अस्यूम स्प्रिंग कांस्टेंट इज के मास। अरे वो भी तो नहीं दिया है, चलो ठीक उसको भी अस्यूम कर लेते हैं। लेट अस से मास इज एम स्प्रिंग कांस्टेंट के, सब कुछ अस्यूम कर लिए। लेट 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 एम इज मास ऑफ रिंग एंड के इज स्प्रिंग कांस्टेंट। लेट में लिए हैं मतलब दिया नहीं है, और आंसर शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ एम एंड के, है कि नहीं? अच्छा, ए से छोड़ा गया काइनेटिक एनर्जी कितना था, 0। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी किसी को रेफरेंस लेना पड़ेगा, चलो इसी को रेफरेंस ले लेते हैं। इसी को रेफरेंस ले लेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी था mg4। मैं इसी को रेफरेंस ले रहा हूं ये पॉइंट को। स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी होता है हाफ के एक्स स्क्वायर। एक्स क्या है, एलंगेशन। अब एलंगेशन कितना है स्प्रिंग में कैसे पता करेंगे, अच्छा ये 3 मीटर है, ये 4 मीटर है, हाँ ये तो 5 मीटर है, ये 5 मीटर है, मतलब स्प्रिंग का अगर नेचुरल लेंथ है 4 मीटर तो 1 मीटर लंबा हुआ है कि नहीं। ये 3 मीटर हुआ तो ये 4 मीटर हुआ। पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस बाबा ने क्या बोले थे, डिस्क्वायर प्लस डिस्क्वायर होल रूट ओवर दिस, तो ये हो गया 5 मीटर। और दिया स्प्रिंग का नेचुरल लेंथ कितना है 4 मीटर, मतलब ए पे होते हुए स्प्रिंग में एलॉन्गेशन कितना हुआ है 1 मीटर। तो हम कहेंगे हाफ के 1 स्क्वायर इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट बी। बी पे तो वेलोसिटी भी मालूम नहीं, चलो मान लो हाफ एम वी स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बी को ही तो रेफरेंस लिए, 0। प्लस स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी, अब स्प्रिंग का लेंथ कितना है 3 मीटर, नेचुरल लेंथ कितना है 4 मीटर, मतलब अभी स्प्रिंग दब गया है कि नहीं, कितना 1 मीटर, नेचुरल लेंथ 4 मीटर है, अभी है 3 मीटर, 1 मीटर घट गया है। हाफ के 1 स्क्वायर, ये हाफ के 1 स्क्वायर, हाफ के 1 स्क्वायर गए। अब क्या बच गया देखो तो mg4 इज इक्वल टू हाफ mv2। ओहो कितना सिंपल हो गया रे भैया, एम भी कैंसिल हो गया तो भी का वैल्यू क्या आया 2 × 4 8 × 10 = 80, √80 मीटर पर सेकेंड। ये सही आंसर है जो कि 1 मिनट में वो लोग दे दिए, √80 मीटर पर सेकेंड। आई एम वेरी सॉरी भाई, विड्रॉ माय वार्ड, 3 लोगों को सर पे नहीं बैठा सकता हूँ, बुढ़ा आदमी हूँ, ठीक है।